नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है सबका हमारे YouTube चैनल LMTech स्मार्ट प्रिंट आइडियाज में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कि हमारा अगर फ्रेम फटा हुआ है तो हम उसको कैसे यूज करेंगे। कई बार क्या होता है कि हमारा फ्रेम फट जाता है और अगर आपको जानकारी नहीं होती है तो आप उसको तो साइड में फेंक देते हैं या फिर दोबारा उसको यूज करने के लिए पूरा फ्रेम फाड़ के उसको फिर दोबारा से नया फ्रेम बनाते हैं। तो इसमें क्या होता है, जो हमारा फ्रेम फटा होता है वो आप अगर दोबारा यूज करते हैं तो उसमें हमारी बचत हो जाती है। हम नया फिर फ्रेम तुरंत ठोक लेते हैं, नया फ्रेम बनाते हैं तो फिर उसमें क्या होता है कि जो हमारा जैसे हम दोबारा रिपेयर करके यूज करते हैं तो हमारा 15-20 दिन, एक महीना, दो महीना और चल जाता है, तो वहां पर थोड़ा सा आपका नुकसान हो जाता है। और अगर हम फटे फ्रेम को यूज कर लेते हैं तो हमारा फायदा हो जाता है, कम से कम एक दो महीने के लिए फायदा हो ही जाता है। तो इस वीडियो में आज मैं आपको यही सिखाऊंगा कि फटे हुए फ्रेम को कैसे यूज करें और बहुत बढ़िया तरीका बताऊंगा, बहुत अच्छे से बताऊंगा कि कैसे इसको यूज करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम और सीखते हैं फ्रेम बचाने का नया तरीका। तो मैं आपको दिखा देते हैं जो हमारा फ्रेम फटा हुआ है। जैसे आप देखेंगे यहाँ पर ये फ्रेम फटा हुआ है, ये दिख रहा होगा आपको, यहाँ पर ये फ्रेम फटा हुआ है हमारा। और अगर इसको मैं यहाँ पर रिपेयर नहीं करूंगा तो ये क्या होगा, सीधा यहाँ से फटता हुआ चला जाएगा, तो ये फिर फ्रेम किसी काम का नहीं रहेगा, फट जाएगा तो फिर उसमें प्रिंटिंग होने पाएगी, क्लियर, अच्छी प्रिंटिंग नहीं होगी। तो इसमें क्या करना है हमारे को, क्या क्या सामान चाहिए मैं आपको बता देता हूँ। अगर आपका कोई फ्रेम पुराना फटा हुआ है तो उसमें से आप एक टुकड़ा कपड़ा ले सकते हैं, खराब कपड़ा, कुछ कैसा भी फ्रेम का कपड़ा हो, खराब भी होगा चलेगा। हमारे पास फ्रेम के कपड़े पड़े हुए पुराने, तो इसमें से मैंने एक टुकड़ा ले लिया हुआ, ये काट लिया है। इस तरह से आप पुराने फ्रेम का कपड़ा यूज कर सकते हैं। तो इसको क्या करना है, जो आपका फ्रेम फटा हुआ है उसी साइज का एक टुकड़ा आपको ले लेना है। जैसे हम यहाँ से इसको नाप लेंगे ऐसे, और यहाँ से बाकी कपड़े को हम काट देंगे। ये हमने काट दिया और ये हमारी एक पट्टी सी बन गई कपड़े की। अब यहाँ पर हम इसको लगाएंगे और इसको चिपकाएंगे। कैसे चिपकाना है वो भी आप देख लीजिए, पूरा तरीका देखिए इसका कैसे यूज करना है। फेविक्विक आपको लेना है, ये फेविक्विक हमने ले लिया। इसको ओपन करेंगे आप तो बचा कर करना है, आंखों में ना पड़ने पाए। अब क्या करना है, जैसे ये गम लगा हुआ है यहाँ पर, तो आप इसको फ्रेम वॉश करने का टाइम नहीं कर सकते, इसको हाथ के सहारे से इसको आराम से निकाल दीजिए, ऐसे ये निकल जाएगा। हल्के हल्के हाथ से इसको आप ऐसे दबा देंगे, रगड़ देंगे तो निकल जाएगा, निकल गया यहाँ पर, क्लीन हो गया। अब क्या करना है हमारे को, अभी फेविक्विक पहले यहाँ पर ऐसे साइड से इसको लगा देना है, चारों तरफ से हमने इसको पहले लगा दिया ऐसे। अब क्या करना है ये आप देखिए, ये जो हमारा टुकड़ा है जो हमने लिया हुआ है इसको हमें यहाँ पर रख देना है, इसको इस तरह से रख देना है। और रखने के बाद में पहले जिस साइड से हमारा ज़्यादा फटा हुआ है उधर से इसको हमें चिपका देना है। सबसे पहले इधर से हमें चिपकाना पड़ेगा इसको, क्योंकि थोड़ा सा इसको टाइट भी करना है, तो वो भी तरीका मैं आपको अभी दिखा रहा हूँ इसमें कैसे टाइट करेंगे इसको। इस तरह से ये हमने इस साइड से पहले पेस्ट कर दिया, ये चिपक गया बढ़िया से। और ध्यान रखना है इसको थोड़ा दबा के रखना है, जब आप फेविक्विक लगाएंगे यहाँ पे तो थोड़ा सा दबा के रखना, होल्ड करके रखना है यहाँ पे, और ये पकड़ लेगा। फिर वहाँ से आप मूव करिएगा और फिर उसके बाद में इस साइड से भी हमें इसको पेस्ट कर देना है इस तरह से। अभी क्या हुआ, ये दो तरफ से हमारा पेस्ट हो गया है, परफेक्ट पेस्ट हो गया। अब क्या करना है ये भी आप देखिए, यहाँ से हम इसको थोड़ा सा इस तरह से खींचेंगे, हल्का सा जितना आ सकता है उतना खींच लेंगे हम इसको, और उसके बाद में फिर यहाँ पर हम फेविक्विक लगाएंगे। और लगाने के बाद में यहाँ पर थोड़ा सा इसको होल्ड भी करना है जिससे कि ये चिपक जाए, यहाँ पे पकड़ ले, तभी हम छोड़ेंगे, नहीं तो फिर ये खिसक जाएगा तो पकड़ेगा नहीं यहाँ पर। अब ये पकड़ चुका है तो इसको छोड़ेंगे हम, अब छोड़ दिया। इसके आगे अब हमें क्या करना है, फिर इसको खींचना है इस तरीके से जिससे कि जो फटा हुआ फ्रेम है वो हमारा खिंच जाए, थोड़ा टाइट हो जाए यहाँ पर। फिर इसको यहाँ पर इस तरह से चिपका देना है। ये यहाँ पर पकड़ लिया, अब आगे भी हमें इसको इसी तरह से खींच कर इसको और फिर यहाँ पर हम पेस्ट कर देंगे। और इसको हल्का सा होल्ड कर देंगे यहाँ पर, होल्ड रखने पर क्या होगा, ये बढ़िया मजबूती आ जाएगी इसमें, ये ध्यान रखना आप तुरंत नहीं छोड़ना है। अभी पकड़ लिया बढ़िया से, चारों साइड से पकड़ चुका है, ये थोड़ा सा इस साइड से हमने लगाया, अभी इसको पकड़ना है तो ये बाकी रहेगा, इधर से भी हम इसको चिपका देते हैं इसे। अभी ये बढ़िया चिपक गया है, पकड़ लिया है,
अब इसकी लाइफ समझिए कम से कम 2-3 महीने की और बढ़ गई है। अब ये नया फ्रेम जैसा काम करेगा। अब क्या करना है, ये बची हुई जो कपड़ा, ये जो बचा हुआ कपड़ा है, इसको हमें काट के निकाल देना है, इसकी जरूरत हमें नहीं है। बचा हुआ कपड़ा हमने निकाल दिया और ये बढ़िया से इसमें पेस्ट हो गया, चिपक गया है। अब यहाँ पर फ्रेम टाइट भी हो गया है और ये हमारा जो फ्रेम बाकी है बचा हुआ था, ये पूरा सेफ बचा हुआ है। अब ये काम में यूज होने लायक हो गया है, अभी हमें दिक्कत नहीं करेगा। और अब ये फ्रेम हमारे यहाँ से बढ़ेगा नहीं, फटेगा नहीं अपने आप से। इस तरह से आपका फ्रेम चाहे बीच में फटा हो, साइड में फटा हो, कॉर्नर में फटा हो, कहीं भी फटा हो, तो आप इसको दोबारा से इस तरह से पेस्टिंग करके इसको चिपका के यूज कर सकते हैं फ्रेम को। तो दोस्तों ये तरीका आपको कैसा लगा, फ्रेम को हमें बचाने का तरीका जो है, ये पेस्टिंग करने का तरीका कैसा लगा, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर वीडियो आपको पसंद आई है, अच्छी लगी है, तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। और चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं फिर दोस्तों अगली वीडियो में आपसे, नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।